कहकशा या गैलेक्सी सितारों के बहुत बड़े ग्रुप को कहा जाता है। ये सितारों सितारों की बाकियात, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का एक निजाम है जो ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। बड़ी कहकशा में अरबों सितारे हो सकते हैं और छोटी कहकशा में चंद लाख। हत्ता कि छोटी कहकशाएं भी इतनी बड़ी होती हैं कि रोशनी को इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफर करने में हजारों लाइट ईयर्स लग जाते हैं। कहकशा की तश्कील गैस के घूमते हुए वसीय अरीज बादलों में से हुई और उन्होंने ये घूमने का अमल जारी रखा। घूमने की रफ्तार ही ये डिसाइड करती है कि इनकी शक्ल कैसी होगी। बेजुई या एलिप्टिकल गैलेक्सीज, इनकी शक्ल एक गेंद से लेकर अंडे जैसी होती है। इनमें ज्यादातर बूढ़े सितारे शामिल हैं और इनकी किस्म सबसे ज्यादा आम है। ये गैलेक्सीज अपने साइज और मैस दोनों में बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी चौड़ाई या डायमीटर 3000 लाइट ईयर्स से लेकर 7 लाख लाइट ईयर्स तक होता है। M87 एक एलिप्टिकल गैलेक्सी है जो हमारी जमीन से 53.49 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। चक्करदार या स्पाइरल गैलेक्सीज, इनकी शक्ल एक प्लेट जैसी होती है। ज्यादातर मैटर इनके बाजुओं में होता है जहां आप नए सितारे तश्कील पा रहे हैं। बूढ़े सितारे इनके न्यूक्लियस यानी सेंटर में मौजूद होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसका सेंटर हमारी जमीन से 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। चपटी चक्करदार या बार्ड स्पाइरल गैलेक्सीज, देखने में ये भी स्पाइरल कहकशाओं जैसी लगती है लेकिन इनका न्यूक्लियस गोल की बजाय लंबा होता है। इनके स्पाइरल बाजुओं का आगाज लंबे न्यूक्लियस के किनारों से होता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी जमीन से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। गैर हमवार या इरेगुलर गैलेक्सीज, इनमें से कुछ एक में स्पाइरल स्ट्रक्चर का हल्का सा शाइबा नजर आता है जबकि दीगर की शक्ल को कोई नाम देना बहुत मुश्किल है और ये बहुत कम मिलती हैं। NGC 1427A जो एक इरेगुलर गैलेक्सी है, हमारी जमीन से 51.86 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है।